नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord N20 SE versus Moto G71 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Nord N20 SE में 6.45 इंच जबकि G71 5G में 6.34 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Nord N20 SE से कम है। विड्थ की बात करें तो Nord N20 SE में 2.95 इंच जबकि G71 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Nord N20 SE से कम है। अब बात करते हैं वेट की तो Nord N20 SE में 187 ग्राम्स जबकि G71 5G में 179 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Nord N20 SE में IPS LCD जबकि G71 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Nord N20 SE में 6.56 इंचेस जबकि G71 5G में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Nord N20 SE में 720x1600 और G71 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Nord N20 SE में 84.57% जबकि G71 5G में 83.18% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Nord N20 SE में 267 पिक्सेल प्रति इंच जबकि G71 5G में 411 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Nord N20 SE में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और G71 5G की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Nord N20 SE में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और G71 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Nord N20 SE में Powerwell GE8320 जबकि G71 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Nord N20 SE में MediaTek Helio G35 और G71 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो Nord N20 SE में 4GB जबकि G71 5G में 6GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Nord N20 SE में 64GB जबकि G71 5G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Nord N20 SE में अप टू 1TB जबकि G71 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Nord N20 SE में Android V12 जबकि G71 5G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Nord N20 SE 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 14,990 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें G71 5G की तो वो 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
OnePlus Nord N20 SE में 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें Moto G71 5G की तो उसमें 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A76 है, दूसरा टेक्नो स्पार्क 9 है, तीसरा टेक्नो स्पार्क 9T है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो स्पार्क 8C है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।